पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा देर हम नहीं रुक सकते क्योंकि इसके बाद में फिर से एक और प्रोग्राम है। पर आप की जो ये एसोसिएशन है, आपने फेडरेशन में काफी काम किया है इसके पहले भी अलग अलग फील्ड में, और विमेन को इनकरेज करके एक साथ यूनाइटेड करके उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि हम लोग आगे एक साथ बढ़े। त्रिपुरा की हिस्ट्री में भी औरतों ने बहुत कुछ किया है। आई एम ऑल्सो वी ऑल हैव आवर रोल्स टू प्ले। वुमेन आर्मी से भी ज्यादा बिजी होते हैं क्योंकि उनको डुअल पर्पस काम करना पड़ता है, फैमिली प्लस करियर, और उसको छोड़ के हमारे और भी बहुत ड्यूटीज होते हैं। बीइंग अ प्रिंसेस राजकुमारी होना इतना ईजी टास्क नहीं है। बचपन से हम लोग को यह सिखाया गया है कि आपको अपना ड्यूटी फॉलो करना है, ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट एंड द पीपल। और ये कह के हम ये भी आज महाराज वीर विक्रम 115th बर्थडे है, उनके बर्थडे में ये हमको सीखना है कि ही ऑल्सो बहुत ही कम उम्र में उनके फादर गुजर गए। महाराज वीर विक्रम किशोर पास्ट अवे व्हेन ही वाज ओनली 14। तो 13-14 साल की उम्र से महाराज वीर विक्रम ने महाराज का रोल लिया, इन्वेस्टिचर माने कॉरोनेशन, राजगद्दी में बाद में बैठे, पर उसके पहले से उनको ट्रेनिंग मिला कि महाराज का क्या क्या ड्यूटी होता है लोगों के प्रति और अपने देश के लिए। आज उनके जन्मदिन में हमको ये याद करना है कि कोई इतने छोटी उम्र में कैसे इतने राज्य को बढ़ा सके, और उनका उम्र सिर्फ 39 ईयर्स था जब वो हमारे बीच नहीं रहे, पर जो उन्होंने वो टाइम में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इन ऑल द फील्ड्स, डेमोक्रेसी लाने के लिए, एजुकेशन, फ्रीडम इन एवरी वे दैट यू कैन थिंक पॉसिबल। बहुत मुश्किल समय था उनके लिए, वर्ल्ड वॉर भी चल रहे थे, इंडिया में बहुत मूवमेंट्स भी थे, रेफ्यूजी प्रॉब्लम था, और त्रिपुरा में ऐसे माहौल में महाराजा वीर विक्रम ने बहुत कुछ किया, बाहर जाके भी सीखा, इंडिया मेनलैंड इंडिया में भी जाके देखा कि कैसा प्रोग्रेस हो रहा है। उनको ये था कि ओनली बिकॉज सिर्फ हम लोग एक छोटा सा स्टेट होने से ये मतलब नहीं है कि हम भी बैकवर्ड रहे। लोग सोचेंगे ओ ऐसे एक छोटा सा स्टेट है, वो ना मिला। महाराज वीर विक्रम को इतना अपने ऊपर भरोसा था और अपने लोगों के ऊपर भी कि महाराजा ने ये ट्राई किया कि जो बाहर में ग्रोथ है वो हमारे स्टेट में भी होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन हम लोग अपना प्रोटेक्शन भी कर सके एंड वी कैन ग्रो इन अ सेल्फ सस्टेनेबल मैनर। सो टुडे
on his birthday. I hope he will continue to be an inspiration to all of us. इतिहास को बहुत सालों से त्रिपुरा इतिहास और हिस्ट्री को चेंज करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की है ताकि हम लोग अपने आप को नीचा महसूस कर सके। ये एक प्लान था ताकि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज आके हम लोग को खत्म कर सके। आज सुबह एमबीबी कॉलेज में हमारा एक और प्रोग्राम था जिधर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य के ऊपर में एक फोटो एग्जीबिशन हमने किया, फिर उसके बाद में एक लेक्चर भी था बाहर से कर्नाटका से वन हिस्टोरियन मिस्टर संपत ही के, तो ही टोल्ड अस बहुत ही अच्छे तरीके से बोला कि कैसे जो भी कोई पावर में होता है वो इतिहास लिखता है और दूसरों का जो ओरिजिनल हिस्ट्री है इतिहास को बदलने का कोशिश करता है। त्रिपुरा में भी यही अटेम्प्ट हुआ था और बहुत साल के बाद में अभी ये भी हम लोग की एक जीत है कि हम लोग आगे बढ़ सके और हम लोग ने कुछ सच्चाई दिखाया है, पर सिर्फ हम लोग ने ये सिर्फ बिगिनिंग है, ये सिर्फ एक स्टार्ट था। तो महाराजा वीर विक्रम का जन्मदिन जो है ये इतना आसान नहीं था हमारे लिए जब हम लोग ने उनका 100th बर्थडे किया था। बहुत लोगों को पता नहीं है, गीता को यहाँ पे पता है थ्रू मेवार कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटैक्ट इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हिस्ट्री के लिए कल्चर के लिए काम करता है। तो आई एम द कन्वीनर इंचार्ज ऑफ त्रिपुरा। तो जब हमने ये स्टार्ट किया तो आई वॉज क्वाइट यंग 20 इयर्स अगो, तब उस टाइम में बहुत प्रेशर मिला गवर्नमेंट से जब भी हम त्रिपुरा के हिस्ट्री को मतलब दिखाने चाहते थे लोगों को क्विज कॉम्पिटिशन करके या आर्ट एंड कल्चरल शो और वट एवर प्रोग्राम, हमेशा वो लोग ने ट्राई किया कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस ना हो क्योंकि उनको ये लगता था कि हम कुछ प्लान लेकर आए हैं डिवाइड करने के लिए। बट आई वॉज ओनली ट्राइंग टू स्प्रेड नॉलेज, ज्ञान को कोई रोकने नहीं सकता, ये हमको शेयर करना पड़ता है क्योंकि हमारा समय ये इस दुनिया में कुछ सालों तक होता है, उसके बाद में ये फॉरवर्ड होना है, सबको जानना है ताकि हम लोग सेम मिस्टेक्स ना कर सकें और आगे बढ़े। तो जो भी है गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि हम लोग आगे ना बढ़ सके। फिर 2006 एट द टाइम ऑफ महाराजा किरीट विक्रम माणिक्य हमारे जो फादर, टेक्निकली एक्चुअली ही वॉज द लास्ट महाराजा बिकॉज ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड। महाराजा वीर विक्रम का देहांत हुआ बिफोर इंडिपेंडेंस 17 मई 1947। इंडिपेंडेंस कुछ महीना बाद थे तो महाराजा किरीट विक्रम अकॉर्डिंग टू त्रिपुरा कस्टमरी लॉज वॉज क्राउन, उनको गद्दी में आना पड़ा 14 साल की उम्र में। बट बिकॉज 18 ईयर्स में मेच्योरिटी आती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ही वॉज अंडर द रीजेंसी ऑफ महारानी कंचन प्रभा देवी, फिर भी उन्होंने राज किया बिटवीन 47 से 49। बट एनी वे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम महाराजा किरीट विक्रम ने भी बहुत कुछ देखा, तो हमको यही सिखाया हमारे फादर ने कि हमारे फादर महाराजा वीर विक्रम के टाइम में ऐसा था, इतना डेवलपमेंट था, ही हैड अ पर्सनल इंटरेस्ट प्रिजर्व करने के लिए त्रिपुरा हिस्ट्री, ही लव्ड द पीपल सो मच, मुझे भी कुछ करने का मन है। तो जब 100th बर्थडे होगा महाराजा वीर विक्रम का, आज तक कोई ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया महाराजा वीर विक्रम को, तो आई वॉन्ट हमको बताया कि इस फंक्शन को हम लोग को बहुत बड़ा से एक हफ्ता तक करना है त्रिपुरा में, सो ही इज रिकॉग्नाइज, सबको जानना चाहिए महाराजा ने क्या किया। और जैसा महाराजा वीर विक्रम का टाइम में होते थे सब गांव के सरदार लोग सब कम्युनिटीज लोग आते थे अपना तलवार बंदूक मोमेंटो लेके, फिर उसके बाद में बड़ा खाना होता था, सब लोग का इंटरेक्शन होता था और फोटो एग्जीबिशन भी उनका मन था कि हम लोग को ये सब करना चाहिए ऑन हिज 100th बर्थडे। अनफॉर्चुनेटली महाराजा किरीट विक्रम 2 पास्ड अवे ऑन 27 नवंबर 2006। तो हमको बहुत खराब लगा कि हम भी ये सपना उनका पूरा कर सकेंगे कि नहीं, पर लकीली महाराजा ने हमारे साथ में बहुत इंफॉर्मेशन शेयर किया था और भी कर सकते थे, पर जो मटेरियल हमको दिया फोटोग्राफ्स और टेलीग्राम बहुत कुछ किताब ये सब को देख कर मुझे लगा नहीं 100th बर्थडे ऑफ महाराजा वीर विक्रम को सेलिब्रेट करना है जैसे भी कोई भी अपोजिशन हो। तो
तो हमने सब कुछ को गैदर करके विद इंटैक्ट मेवाड वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट एंड वी हैड सम मेंबर्स, हम लोगों ने बहुत काम किया. फिर जब टाइम आया हम लोग को वेन्यू चाहिए था तो हम लोग को गवर्नमेंट ने वेन्यू नहीं दिया. तो फिर चंद्र महल जो कि हमारा वेडिंग हॉल है उसी में हम लोग ने एक छोटे तरीके से हम लोग ने स्टार्ट किया महाराजा बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन. एंड आई एम हैप्पी टू से कि उसके बाद में ये इतना मतलब लोगों को लगा कि हाँ महाराज ने इतना कुछ किया था और इतने सालों से ये सब छुपाया गया हम लोग से बाहर, तो उनके अंदर में एक एंथुजियाज्म आ गया, एक जोश आ गया कि नहीं हम लोग को आगे बढ़ के महाराज के लिए कुछ करने ही है. जब एक इंसान ने हमारे लिए इतना किया हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते. तो उसके बाद में एक ये मूवमेंट बन गया और बहुत लोगों ने हम लोग को हेल्प भी किया एंड वी वर एबल टू मूव फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ सके. और उसके बाद में अभी फाइनली गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज किया है, हो सकता है पॉलिटिकल रीजंस के लिए, बट उनको ऑनर महाराजा विक्रम को देना ही था, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन बट बिकॉज ही वाज अ विजनरी, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न त्रिपुरा एंड ही वाज अ जीनियस. उस जमाने में इतना कुछ करना ताकि त्रिपुरा अपने पैर पे और त्रिपुरा के जो एबीसी एरिया जो अभी है ये सब उनका विजन था. इतना आगे सोचने का काम ये ऑर्डिनरी आदमी का नहीं होता, ये सिर्फ महाराजा बी विक्रम कुड हैव डन एंड सो वी शुड लर्न फ्रॉम हिम एंड मूव फॉरवर्ड विद आवर लाइव्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट. उन्होंने अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं किया. सुबह 4 बजे उठ के फर्स्ट इंस्पेक्शन करते थे महाराज बाय हिमसेल्फ ऑल अराउंड अगरतला टाउन. अदर डेज ही टू गो पर्सनली एंड स्पेंड 2-3 months इन द विलेजेस. वहां पे बैम्बू का जो घर होता है वैसा टेम्पररी बना के वहीं पे रह के वहीं के लोगों के साथ में मिलके महाराज कितना एफर्ट देते थे. रोड जब नहीं था कैला शहर में हाथी में जाना पड़ता था, 3 दिन लगता था. और महाराजा ने ये भी नहीं सोचा कि हाँ कष्ट होगा, अपने बच्चे को भी ले गए. हमारे जो पी है हमने वो अभी भी महारानी का 85 years. तो हमको खुद बताया कि हम 3 साल ना 4 साल के थे, महाराज बी विक्रम बोला नहीं यू शुड नो योर पीपल, यू शुड नो योर प्लेस. चलो इतना मुश्किल होने से भी पालकी में बैठ के भी जाना पड़ा रास्ता में रुक रुक के हाथी में. तो ये होता है ट्रू लव फॉर योर स्टेट फॉर योर पीपल. सो वी शुड डू द सेम एंड ऑन दिस ओकेजन ज्यादा नहीं बोल के बिकॉज आई हैव मोर प्रोग्राम्स. आप सबको हम भी हमारे तरफ से आई विश यू ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड डे एंड आई होप वी कैन डू मोर इन द फ्यूचर. थैंक यू.